एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जा रहा है मायो नहा रही होती है और इधर दिखाया जा रहा है बसरा मारिया को पीने के लिए जूस देता है। जहाँ पर मारिया बोलती है कि तुमने हमारी मदद क्यों की और तुम्हें हमारे बारे में पता चलने के बाद भी तुमने हमें फिर से घर लेकर आई। और ये सब सुनकर बसरा उधर बैठ जाता है और मारिया से बोलता है, मैंने अपने संदेश से सुना कि तुम लोग यानी तुम लोगों के हालात के बारे में सुना, इसलिए मैंने तुम लोगों का मदद किया। और ये सुनकर मारिया बोलती है कि मतलब जिनशैन को ये पहले से ही मालूम था हमारे बारे में। और इधर बसरा बोलता है कि हाँ, और मैं भी अपने डैड की तरह ही हूँ। और ऐसे दोनों बातें करता है और उसके बाद मारिया अपने सामान को रखने के लिए चली जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है मायो नहाकर बाथरूम से निकल के आती है और उसके बाद वो अपने शरीर को पोंछ रही होती है। तभी उसको उस डेमन के बारे में याद आने लगता है और उस डेमन को याद आने पर वो अपने हाथ को देखने लगती है। और तभी उस रूम के बाहर से बसरा आवाज़ लगाता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनकर माया बोलती है कि तुम मुझे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। और ये सुनकर बसरा बोलता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए मैंने तुम लोगों को खर्चा निकाल दिया था और इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना। और इधर अंदर माया को कुछ सोच जाती है और इसलिए वो नीचे गिर जाती है। और इधर बाहर से बसरा उस आवाज़ को सुन लेता है और वो दरवाज़ा खोल कर देखता है कि माया रूम के अंदर गिर गई है और इसलिए बसरा उसके पास आ जाता है। और इधर माया भी उठने लगती है और ये देखकर बसरा बोलने लगता है कि तुम इतनी देर भी नहाया मत करो कि तुम्हें शक्कर आ जाए, और लेकिन उस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनकर माया बोलती है, तुम हमें फिर से माफ़ी क्यों मांग रहे हो, हम लोगों ने तो तुम्हें धोखा दिया था ना। और ये सुनकर बसरा बोलने लगता है कि मैंने भी तुमसे ये बात छुपाई थी कि मैं भी हीरो क्लैन का हीरो हूँ। और ऐसे ही दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और उसके बाद दिखाया जाता है बसरा माया का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज से हम लोग एक परिवार है, अगर तुम किसको बचाना चाहते हो तो उसे परिवार ही कहते हैं। और इधर उन लोगों को मारिया देख रही होती है और वो ये सब देखकर बोलती है कि तुम दोनों को एक साथ कितना अच्छा लगता है। और ये सुनकर माया बोलती है कि तुम झूठ मत बोलो मारिया। और उसके बाद मारिया दोनों को तारीफ करने लगता है जिसे उनके बसरा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है रात को मायो अपने बिस्तर पर बैठकर बसरा के बारे में सोच रहा होता है। और उसके बाद वो एक अपनी फैमिली फोटो को निकल कर देखने लगती है और तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और उसे देखकर मायो वो फोटो रख देती है और मारिया अंदर आ के वो भी उस फोटो को देख लेती है। और ये बात मायो को पता चल जाता है कि मारिया को ये फोटो दिख गई है और इसलिए मायो उस फोटो को उठाकर देखने लगती है और बोलती है, क्या बसरा हमें सच में अपना परिवार बनाना चाहता है। और सुनकर मारिया उस फोटो के ऊपर एक फ़ोटो रख दीजिए है और बोलती है, ये बसरा ने हमारे लिए प्रिंट किया है। और इधर दिखा जाता है बसरा उन लोगों के सामानों को अंदर लेके आ रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है मारिया मायो और बसरा के ऊपर कुछ जादू करने वाला होता है, जहाँ पर बसरा बोलता है कि तुम्हें यह करने का क्या ज़रूरत है एक मास्टर और सर्वेंट की फैक्ट। और सुनकर मारिया बोलने लगती है, ताकि तुम्हें पता चले कि मायो कहाँ पर है। और ये सुनकर बसरा बोलता है कि इससे तो अच्छा है जीपीएस ना। और ये सुनकर मारिया गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, क्या पता वो कब खराब हो जाए और ये आज ही किया जा सकता है, यानी आज पूर्णिमा का रात। और ये सुनकर बसरा मायो को बोलती है कि ओए तुम भी कुछ कहो ना इसे। और ये सुनकर मायो बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें कोई दिक्कत है मेरे साथ पैक्ट करने में। और उसके बाद मारिया मायो के हाथ पकड़ कर बोलती है कि यानी बसरा को बोलती है, जब तुम्हारे हाथ में मैजिक सर्कल आएगा तब तुम मायो को किस कर देना। और तभी बसरा के हाथ पर कुछ चमकने लगता है और ये देखकर बसरा बोलता है, मेरे हाथ में ये क्या हो रहा है। और ये सब देखकर मायो मारिया से बोलती है, इसका मतलब क्या है। और सुनकर मारिया बोलती है, मैंने कहा गलती होगी, अब आपको बसरा के हाथ पर किस करना पड़ेगा, जल्दी से उसके हाथ में किस कर दीजिए। और ये सब सुनकर मायो गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हारा मतलब मुझे इससे यानी इसका गुलाम बनना पड़ेगा। और तभी बसरा बोलने लगता है, ओए सुनो ये तो मेरे हाथ से गायब होने लगा है। और सुनकर मारिया मायो से बोलती है, तुम इसे जल्दी से किस कर लो। और सुनकर मायो बोलती है, लेकिन ये अगली पूर्णिमा को गायब हो सकता है। और तभी बसरा बोलता है, ये तो गायब हो गया है। और तभी
माया को कुछ होने लगती है, यानी उसकी कर्स शुरू हो जाती है, इसलिए वो नीचे बेच जाती है। और ये सब देखकर वासरा मारिया से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है? और उसके बाद मारिया बोलने लगती है, इसने किस करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए ये कर्स ऑन हो गया है। और इधर माया बोलने लगती है, प्लीज़ मुझे बचाओ। और सुनकर बासरा बोलता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? और सुनकर मारिया बोलती है, हाँ एक चीज़ कर सकते हो, तुम्हें इसको हरने में मंजूर करना पड़ेगा। और सुनकर बासरा बोलता है, मैं इसे कैसे हरने के लिए मंजूर करूँ? और ये सुनकर मारिया बोलती है, तुम इस पर हाथ लगाओ। और सुनकर माया बोलती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो मारिया? और तभी मारिया बोलती है, तुम्हें ठीक होने के लिए ये सब कर नहीं पा रहे हम मायो। और उसके बाद मारिया बासर को बोलती है, बासरा तुम मायो के शर्मनाक जगह पर हाथ लगाओ ताकि मायो को राहत मिले। और सुनकर बासर बोलता है, कहीं पर भी हाथ लगा सकता हूँ है ना? और सुनकर मारिया बोलती है, हाँ तुम्हें बहुत देर तक हाथ लगाना पड़ेगा ताकि ये ठीक हो जाए। और उसके बाद दिखाया जाता है, बासरा मायो के पास आ जाता है और उसका वो सब दबाने लगता है। और इधर मायो अलग अलग रिएक्शन दे रही होती है और इधर मारिया उन लोगों को देखकर मजा ले रही होती है। और इधर बासरा माया को अलग अलग पोज से मजा देता है। और उसको दिखाया जाता है, मायो सुबह वो सो रही होती है और इधर मारियो उस जगह को सेव कर रही होती है जहाँ पर मायो की कर्ज हटाया गया था। और इधर बासरा मारिया से पूछता है, मारिया तुमने पहले ही इसके कर्ज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था? और सुनकर मारिया बोलती है, ताकि तुम पहले ही इनकार कर ना देते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और तभी मारिया के पीछे से मायो आ जाती है और बोलती है, मारिया मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और ये बोलकर वो मारिया के चेहरे पर पकड़ कर उसे किस कर ले जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है, नेक्स्ट दिन सुबह वो तीनों एक साथ स्कूल जा रहा होता है जहाँ पर बासरा बोलता है, मारिया तुम्हें पुलिस पकड़ लेगा, तुम चोटी हो इसलिए तुम्हें पकड़ लेगा। और सुनकर मारिया बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैंने नकली लाइसेंस बना ली है तो तुम लोग स्कूल से आ जाओ, मैं यहाँ पर ही घूमते रहूँगी। और उसके बाद दिखाया जाता है मायो और बासरा स्कूल चला जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है टीचर बासरा को क्लास में लेके आता है जहाँ पर बासरा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर, जहाँ पर टीचर एक लड़के को बोलती है कि तुम इसका ख्याल रखना जहाँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर चले जाने के बाद वो लड़की बासरा के पास आकर उसे हक कर लेती है। और ये देखकर मायो उस लड़के से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? और इधर बासरा भी उस लड़के से बोलता है, तुम थोड़ा पीछे चले जाओ। और इधर ये लड़की बोलती है, क्या बासरा तुम मुझे याद नहीं हो? और तभी बासरा बोलता है, क्या तुम युकी हो? और तभी वो लड़की बोलती है, हाँ बहुत वक्त हो गए हमें मिलने। और तभी दोनों के बीच में मायो आ जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है बासरा एक जगह पर बैठा है जहाँ पर वो सोच रहा होता है, स्कूल के पहले दिन ही ऐसा हुआ, मैं अकेला पड़ गया। और ये सब सोचते हुए वो बैठा होता है, तभी वैसे मायो उसके दोस्त के साथ आ रही होती है। और इधर मायो को देख कर वो मायो को कुछ पूछता है और मायो गुस्से से कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लड़का और बासरा स्कूल के ऊपर भेज जाता है जहाँ पर वो दोनों जा के लंच करता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पर लड़कियों के बारे में कुछ बातें करता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है मायो और बासरा स्कूल से आ रहा होता है जहाँ पर मायो बासरा से बोलती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और ये सुनकर बासरा बोलता है, मैं घर जाने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी मारिया उन लोगों को बुलाने लगती है लेकिन मायो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर मारिया बासरा के पास आकर पूछता ही है, इसको क्या हुआ? और इधर मायो मारिया और बासरा को देख रही होती है। और ये देखकर बासरा मायो के पास आ जाता है और तभी युकी भी वहाँ पर आ जाती है और बासरा को बोलती है, बासरा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाता है जहाँ पर वो दोनों कुछ बातें करने लगता है। और यह भी एपिसोड एंड हो जाता है।